हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2021 कब से शुरू कब समाप्त होंगे, कलश स्थापना शुभ मुहूर्त, जाने अष्टमी नवमी तिथियां। शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में चार बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से दो प्रचलित और दो गुप्त नवरात्रि होती हैं। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और मां के भक्तों के लिए देवी दुर्गा के 9 दिवसीय साधना का महापर्व बहुत खास होता है। आषाढ़ माह में कई बड़े व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि। इस दौरान तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए देवी माँ की आराधना की जाती है। आज इस वीडियो में हम आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथियां, कलश स्थापना शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इन दिनों माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई रविवार से शुरू होकर 19 जुलाई सोमवार को समाप्त होंगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 11 जुलाई सुबह 5:31 से 7:47 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 11 जुलाई प्रातःकाल 11:59 से 12:54 तक। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 10 जुलाई सुबह 6:46 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई प्रातःकाल 7:47 पर। 17 जुलाई को अष्टमी और 18 जुलाई को नवमी मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविधा, तंत्र साधना और महाकाल की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा को गोपनीय रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो सुबह शाम देवी मंत्र, जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। देवी माँ को दोनों बेला के समय लौंग, सिंदूर, केसर, कपूर और बताशे का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रों के दौरान माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। इसके साथ ही अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन कर व्रत संपन्न करें। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की गई देवी माँ की आराधना जल्द ही फलीभूत होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि नियम। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि विशेष इच्छा पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए रखी जाती हैं। इसीलिए गुप्त नवरात्रि पर ज्यादा प्रचार प्रसार ना करते हुए अपनी साधना और पूजा को गोपनीय रखना चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो दोनों बेला अर्थात सुबह और शाम देवी माँ के मंत्र, जाप, चालीसा व सप्तशती का पाठ जरूर करें। माँ की आराधना में उनका पसंदीदा लाल फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी न चढ़ाएं। गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक सात्विक आहार ही ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रि में आधी रात को माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ और नाखून नहीं काटने चाहिए। इन दिनों घर पर आए किसी भी व्यक्ति या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।